okay so good evening and welcome to the third part of sample paper discussion section b as we start so let's take some questions from section b ओके okay. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेक्शन बी में और सेक्शन बी में जाहिर से बात है फाइव क्वेश्चंस हैं और टू मार्क्स ई यानी दो दो मार्क्स के क्वेश्चंस हैं ठीक है तो पहला क्वेश्चन है फोर्टी नाइन एक्स प्लस फिफ्टी वन वाईल टू फोर नाइन नाइन ठीक है और ये कह रहा है फिफ्टी वन एक्स प्लस फोर्टी नाइन वाईल टू फाइव हंड्रेड वन तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली तो जाहिर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है तो हम लोगों ने जो जो मेथड्स पढ़े हैं उसी से निकालना है लेकिन यहाँ पे एक चीज समझने वाली चीज़ है और ये हर जगह अवेलेबल है ठीक है ये ट्रिक क्योंकि मैं भी शेयर करना चाह रहा हूँ इस चीज़ को मान लीजिए जब एक्स वाई की आपको वैल्यू निकालनी है और यहां पे इन दोनों को पहले सम करके देख लो ठीक है जैसे इन दोनों को सम कर, करोगे तो देखो कितना आएगा आपको हंड्रेड मिलेगा ठीक है इन दोनों को भी सम करोगे कितना मिलेगा हंड्रेड तो जब आप सम करें ठीक है uh, मतलब जैसे यहाँ पे आपने देखा इसको तो सम करने पे हंड्रेड आ रहा है ठीक है और माइनस करने पे कितना आ रहा है तो अगर तो माइनस करोगे तो यहां पे टू आएगा इसको भी माइनस करोगे तो टू आएगा तो सम करने पे भी सेम फिगर आ रही है और माइनस करने पे भी सेम फिगर आ रही है तो आप जो है डायरेक्ट सम और माइनस कर दो ठीक है उससे जो ये इक्वेशन है ना ये रिड्यूस हो जाएगी बात समझ में आ रही है मतलब इसको आपने इक्वेशन वन मान लिया इसको इक्वेशन टू मान लिया ठीक है तो एक आप पहला क्या करो एडिंग वन एंड टू मतलब कहने का मतलब है कि सम करने पे सेम फिगर आ रही है ठीक है माइनस करने पर भी सेम आएगी ऑब्वियसली ठीक है लेकिन जरूरी नहीं है जैसे मान लो टू प्लस एट हमने किया तो टेन आ रहा है ठीक है थ्री प्लस सेवन करोगे तब भी टेन आएगा लेकिन माइनस करोगे इसको तो कितना आएगा सिक्स इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा फोर तो प्लस करने पे तो सही आ रहा माइनस करने पे नहीं आ रहा है तो यहां पे ये फायदा नहीं देगी ट्रिक वहां पे देगी जहां पे सम करने पे और माइनस करने पे सेम फिगर्स आए बात समझ में आ रही है तो ऐड कर दो पहले दोनों इक्वेशन को फिर दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो तो वहां पे आपको रिड्यूस फॉर्म मिल जाएगा जिससे आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो ठीक है यहां पे ये यह नहीं देखो अरे 49 ये 51 है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई फिफ्टी वन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन टू बाई फोर्टी ये नहीं करो ठीक है तो अब जब ऐड किया तो देखो यहां क्या आ जाएगा हंड्रेड एक्स यहां कितना आ जाएगा हंड्रेड और ये आ जाएगा 500 कितना हो जाएगा 1000 देखो 100 कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा 100 कॉमन ले लिया x प्लस वाई इज्वल टू टेन ये एक ही क्वेश्चन बन गई फिर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग यहाँ पे कोई भी कर सकते हो वन फ्रॉम टू या टू फ्रॉम वन ठीक है ठीक है वन फ्रॉम टू अगर कर रहे हैं तो फिफ्टी फाइव माइनस फोर्टी नाइन कितना दैट विल बी टू एक्स ठीक है अच्छा यहाँ पे फोर्टी नाइन माइनस फिफ्टी वन कितना दैट इज माइनस टू वाई ठीक है फाइव हंड्रेड वन माइनस फोर नाइन्टी नाइन कितना हो जाएगा दैट विल गिव यू टू यहाँ पे क्या आ जाएगा दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन क्या आ जाएगी चौथी यहाँ पे आ गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन कैंसिल टू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इलेवन बाई टू आ रहा है सही है ठीक है तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है इलेवन तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है इलेवन बाई टू आंसर सही आ रही है इसी तरह वाई की वैल्यू हम निकाल के सॉल्व कर लेंगे बात समझ में आ गई तो जहां पे ऐड करने पे सेम फिगर आ रही है और माइनस करने पे भी सेम फिगर आ रही है तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं और ये हंड्रेड परसेंट वैलिड है ओके okay. चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है और ये एनसीआरडी का क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम ये जानते हैं ठीक है तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है नाउ लेट अस टेक मोर क्वेश्चन नाउ टू के बाद देखते हैं क्योंकि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं अच्छा खासा सॉल्व कर चुके हैं तो देयर इज नो नीड फॉर इट नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री गिव मे वन मिनट अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में देखो क्या बोल रहे हैं द गि फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल

कुछ याद आ रहा है कि ये हमने थ्योरम स्टडी किया था कि जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है उसका हाफ जो है ये एंगल होता है तो अगर एक कॉर्ड या आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाता है वही कॉर्ड या आर्क सर्कम्फ्रेंस पे जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा दैट विल बी हाफ याद आ रहा है किस क्लास में पढ़ा था

ठीक है तो ये आ जाएगा सेवेंटी फाइव प्लस एंगल ए बी ठीक है अच्छा अगर हम इसको प्रॉपर वो करें सॉल्व तो ये आ गया सोल्यूशन सोल्यूशन ट्वेंटी थ्री तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव डिग्री ठीक है नाउ एंगल ए पी बी प्लस एंगल एओ बी विल बीक्वल टू वन एटी डिग्री ठीक है अच्छा यहां पे अगर देखो अगर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखो यहां पे एक चीज और करने वाली है देखो यहां पे पहले इन्होंने क्या बोला कि एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू वाई ए बी टू बी डी एक चीज समझाना चाह रहा हूं बस देखो ए बी ट्वेंटी थ्री अच्छा सॉरी दिस वन तो यहां पर देखो डायरेक्ट क्या बोल है दैट इज एंगल पी ए ओ पी ए ओ दिस वन एंड पी बी ओ नाइनटी नाइनटी है ठीक है तो एंगल एओबी क्या हो गया बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल मतलब इन्होंने यहां पे वही जो हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं नाइन्थ में ठीक है देखो यहां पे वही है उसी के थ्रू सॉल्व किया ठीक है अब यहां पे देखो हाफ मार्क्स इसके हाफ मार्क्स इसके एक मार्क्स इसके क्या एक तो आंसर क्या हो गया और कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है तो यहां पर ये वन मार्क क्यों क्योंकि वन हाफ फॉर दिस एंड हाफ फॉर दिस ठीक है तो अब यहां पे एंगल ए पीबी क्या हो गया दैट इज सेवेंटी फाइव डिग्री ओके तो एंगल ए पीबी प्लस एंगल इज इक्वल टू डिग्री हो जाएगा ठीक है अब यहां पे आप ये भी लिख सकते हैं कि द एंगल फॉर्म बाई अ सर्कल ये भी हो सकता है ठीक है यहां पे इन्होंने क्या अप्लाई किया है देखो कि एंगल पीओ ये नाइनटी नाइनटी है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट

Okay, angle PAB is equal to angle PBO is equal to ninety degree. Why? Angle between chord. i radius and tangent. Okay, now angle APB plus angle PAB plus angle PBO plus angle AOB क्वल टू थ्री सिक्सटी डिग्री वाई एंगलसम प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉर्डिलेटरल तो यहाँ पे triangle नहीं होगा यहाँ पे कॉर्डिलेट्रल होगा ठीक है angle sum property of a quadrilateral. ठीक है तो अब उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे यहां पे हम वैल्यूज पुट करेंगे शॉर्ट में कर दे रहा हूं तो 360 सिक्सटी डिग्री माइनस ये हो जाएगा 75 प्लस हंड्रेड तो ये आ जाएगा हमारा वन हंड्रेड 75 फाइव प्लस नाइनटीन नाइनटी दैट इज वन एटी ये आ जाएगा आठ सात पंद्रह और दो सौ एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा दैट विल वन हंड्रेड फाइव डिग्री यह आया अब ये वन हंड्रेड फाइव डिग्री आ गया ठीक है तो ये इसका हाफ होगा वही चीज यहां पे मैंशन की गई है हम लिख देंगे एंगल विल बी हाफ ऑफ दिस व्हाई बिकॉज एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल को यहां दैट्स इट ठीक है इसमें अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में चॉइस है ट्वेंटी फाइव में भी चॉइस है चलिए देखते हैं इसको ठीक है अब यहां पे बोल रहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज सिक्स इट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम सेवन फाइव टू सेवन फोर्टी ठीक है अब देखो सेवन फाइव से सेवन फोर्टी हमें ये देखना पड़ेगा कितना एंगल बनेगा तो हम ये जानते हैं जब फाइव मिनट्स स्वीप करता है पांच मिनट मान लो ये बारह और ये पांच तो कितना डिग्री होता है ये घड़ी में मेंलो ये बारह बज रहे हैं और ये बारह पांच हो गया सिक्स डिग्री तो अब यहां पे सात पांच से सात चालीस कितने मिनट हो गया पैंतीस मिनट तो थर्टी फाइव इंटू सिक्स कितना हो जाएगा सिक्स फाइव से थर्टी टू हंड्रेड टेन डिग्री तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया 210 डिग्री आ गया और यहाँ पे जो लेंथ है वो कितना है सिक्स सेंटीमीटर है यानी आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स सेंटीमीटर ओके सो नाउ एरिया स्विप्ड बाय मिनट हैंड will be equal to that will be theta by 360 pi r square. So, 210 upon 360 into 22 by 7 into what is radius 6? into 6 centimeter square. Zero, 0, cancel, 6, 6 are 36, 6, 6 cancel, 7, 3 is 21. So, that means 66 centimeter square. The answer Let us see that. Question number 24, option 1. It's now 66 centimeter. ठीक है टू दस ऑप्शन सेकेंड अब देखो यहां पे जो आप करेंगे अभी अगर आपने बाई चांस गलती से दोनों सॉल्व कर दिया हो जाती है मतलब तो समझ लो कि जो पहला वाला होगा वो कंसिडर किया जाएगा क्या बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर मतलब ये जो आर्क्स हैं ये इनका रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर है ईच एट द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रलेटरल ए बी सी डी एज सेंटर्स एंड द आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर ईच एट द वर्टिसेस अच्छा तो कह रहे कि ठीक तो अब यहां पे सेवन सेवन सेंटीमीटर रेडियस का आर्क बनाया गया है ठीक है तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन जो ये शेडेड रीजन है उसी का निकालना है तो यहां पे देखो आर की वैल्यू कितनी है सेवन सेंटीमीटर ठीक है अच्छा यहां पे ये यह कह रहा है कि ऑफ कॉर्डिलेट ए बी सी डी एस सेंटर नी वर्डिस को क्या लिया गया ये सेंटर लिया गया को सेंटर कंसीडर किया गया ठीक है तो अब यहां पे कंसीडर किया गया है सेंटर तो अब आप कहेंगे सर यहां पे तो कॉर्डिलेटरल कोई हाँ, स्क्वायर तो है नहीं रेक्टेंगल तो है नहीं तो यहां पे ये यह तो एंगल 90 डिग्री कैसे 90 डिग्री तो होगा नहीं और लग भी नहीं रहा तो एंगल हम कैसे निकालें तो देखो यहां पे इस चीज को फोकस करो यहां पे क्वेश्चन नंबर फोर ठीक है अब देखो यहां पे इन्होंने क्या किया है डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स कंसिडर किया है थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री थीटा फोर एक चीज माइंड में आ सकती थी कि यहां पे जब ये सब सात सात सेंटीमीटर के हैं जैसे क्वाड्रेंट वाला होता था याद करो अगर जैसे क्वाड्रेंट है स्क्वायर है सबका रेडियस सेम है तो जाहिर सी बात है यहां पर हम क्या लेते थे कि भाई ये जो है एक क्वाड्रेंट बन रहा है ठीक है तो ये चारों मिलके एक सर्किल देगा ठीक है लेकिन यहां पे ये चारों क्वाड्रेंट नहीं है बात समझ में आ रही क्योंकि सबका जो एंगल है, है वो डिफरेंट है तो इसीलिए यहां पे देखो यहां पे अलग अलग एंगल को कंसीडर किया गया ठीक है अच्छा अब यहां पे इन्होंने सम क्या किया थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा, थी थीटा फोर देखो यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि ये चारों एंगल क्या होंगे ये कॉर्डिलेटरल के एंगल्स हैं चारों का सम 360 डिग्री होगा मतलब ये 90 90 90 के नहीं है लेकिन चूंकि कॉर्डिलेट्रल है तो चारों का एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री अच्छा अब देखो फाइनली क्या आ रहा है थ्री थी, अब यहां पे देखो ये क्या गया सिर्फ क्या बचा पाई आर बचा थ्री सिक्सटी फाइव थ्री सिक्सटी वन ही तो हो गया तो पाई आर स्क्वायर बचा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लॉजिक क्या हम लेंगे हम देखो समझाने का क्या मकसद है कि हम यहां पे ये नहीं लिखते कि भाई यहां पे ये चार जो है वो आ, सबका रेडियस सेम है ठीक है इस वजह से क्योंकि क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट टर्म नहीं आना चाहिए यहां पे कोई क्वाड्रेंट नहीं है क्योंकि किसी का भी एंगल 90 डिग्री यहां पे नहीं है लेकिन जब इन चारों टुकड़ों को चारों सेक्टर्स को अगर आप सम कर रहे हो इनके एंगल क्यों तो 360 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब कलेक्टिवली दे आर मेकिंग व्यव अब बात समझ में आ रही है? क्वाड्रेंट नहीं लेकिन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री आ रहा है तो कलेक्टिवली क्या होगा ये चारों मिलके सर्किल बना रहे हैं अगर यही आप करोगे लेकिन आपने क्वाड्रेंट टर्म को शामिल कर दिया तो पूरा कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा बात समझ में इसलिए मैं इस पर इतना टाइम दे रहा हूं कॉन्सेप्ट समझाने में और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे लेट आठ तो सेवन सेंटीमीटर हो गया लेट थीटा वन Theta two up ABCD will a sector. Theta three and Theta four be the angles of of these sectors formed at the word it says a sequence of Nelia. The word it says A. टिवली D, ना D, D okay. so <coughs> अब देखो क्या हो जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा वन अपॉन थ्री सिक्सटी बाय आर स्क्वायर प्लस सीटा टू अपॉन थ्री सिक्सटी थ्री अपॉन थ्री सिक्सटी पाई आर r square ठीक है अब जाहिर से बात है सब देखो यहां पे देखा जाए तो एंगल्स डिफरेंट है बाकी डिनोमिनेटर और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है ये क्या है ये सेम है तो यहाँ पे हम ले सकते हैं भाई हमने पाई आर स्कवा डिग्री कॉमन ले लिया अब क्या बचा थीटा वन प्लस टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा फोर ठीक है अब ये हो जाएगा ट्वेंटी टू बाई सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन अपॉन थ्री सिक्सटी डिग्री इंटू थ्री सिक्सटी डिग्री Is angle, some property of a quadrilateral. Cancel seven seven cancel. but now fifty four seventy. seventy answer. Yes. Okay. Now, let question number twenty five. कमिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे है? so है, so हैं है. कितना दिया हुआ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू वन और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू तो ऑब्वियसली हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए तो हमें दो इक्वेशन चाहिए ए और बी के रेस्पेक्ट में ठीक है इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी एनसीआरटी में तो so, अब ये हम लिख सकते हैं भाई साइन ए प्लस बी ठीक है वन कब आता है जब साइन नाइनटी होता है ठीक है तो दैट मीन्स ए प्लस बी कितना हो गया नाइनटी डिग्री ये पहली इक्वेशन बन गई ठीक है अब यहां पर आते हैं कॉस ए माइनस बी रूट थ्री बाई टू कब होता है cost 30 or cost 60 yes that is is cos 30 that means a minus b is equal to what 30 degree okay. because solving equations 1 and 2 we get get now again a plus b is equal to 90 degree ए माइनस बी इज इक्वल टू थर्टी डिग्री टू ए इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री ए इज इक्वल ओके यहीं पे मैं कर दे रहा हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ अब जाहिर सी बात नाइनटी डिग्री है तो एक सिक्सटी है तो बी थर्टी होगा यहां पे उसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है आप जानते हैं कैसे उसको सेंटेंस uh, को ठीक है अभी कह रहा है फाइंड एन अक्यूट एंगल थीटा व्हेन कॉस थीटा मतलब ये वैल्यू हमें कह रहे हैं कि कॉस थीटा हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा One minus root three upon one plus root three. ठीक है है हमें theta की वैल्यू निकालनी दो चीजें चीज थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है अब, अब, अब डायरेक्ट को आइडेंटिटी यहां पे तो लग नहीं सकती है ठीक है या तो हम ये करें कि भाई जैसे यहां पे वन माइनस रूट थ्री वन प्लस रूट थ्री है इसको रेशनलाइज करें ठीक है और इधर भी करें। अगर तो, रेशनलाइज मतलब कि जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा तो थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इस टाइप से सॉल्व करके करें ठीक है दूसरा तरीका क्या है कि थीटा हमें सॉल्व करना है तो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक वन प्लस रूट थ्री इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ठीक है वन माइनस रूट थ्री कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ठीक है तो यहां पे क्या करेंगे अब वन मल्टीप्लाई होगा किससे कॉस् थीटा माइनस साइन थीटा से ठीक है प्लस रूट थ्री दब, अब मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ठीक तो ऐसे यहां पे होगा वन मल्टीप्लाई होगा पहले कॉस् थीटा प्लस साइन थीटा से फिर माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई होगा किससे कॉस् थीटा प्लस साइन थीटा ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा यह हो जाएगा रूट थ्री कॉस थीटा माइनस रूट थ्री साइन थीटा ठीक है यह आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस रूट थ्री कॉस थीटा माइनस रूट थ्री साइन थीटा ठीक है तो देखो कॉस थीटा कॉस कॉसिटा कैंसिल हो गया अच्छा जी हमें थीटा की वैल्यू निकालनी थी ना थीटा इधर आ जाएगा हाँ ठीक है सारे साइन थीटा को ले लेते हैं माइनस साइन थ्री साइन थीटा ठीक थी है फिर उसके बाद प्लस रूट थ्री साइन थीटा अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एक मिनट वेट वेट माइनस रूट थ्री साइन थीटा माइनस रूट थ्री साइन थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएगा अच्छा तो अब बचा तो माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा इधर जाएगा तो माइनस साइन थीटा ठीक है और ये आ जाएगा माइनस रूट थ्री कॉस थीटा और ये जब इधर आ जाएगा तो माइनस रूट थ्री कॉस थीटा तो ये आ जाएगा माइनस टू साइन थीटा या आ जाएगा माइनस टू रूट थ्री कॉस थीटा माइनस माइनस कैंसिल अब ये हो जाए 2 2 कैंसिल अब ये साइन थीटा हो गया और ये कॉस थीटा इधर आ जाएगा इस इक्वल टू रूट थ्री ठीक है साइन थीटा पर कॉस थीटा हो जाएगा टैन थीटा टैन थीटा रूट थ्री हो गया तो जब टैन थीटा रूट थ्री है तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री बट इट � तो इस टाइप से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन सैंपल पेपर में हमें दे रहा है टिक्नोमेट्री से रिलेटेड ठीक है चलो अब आते हैं सेक्शन सी पे सेक्शन सी में सिक्स क्वेश्चन होंगे थ्री मार्क्स ईच तो चलिए देखते हैं इसको कौन कौन से क्वेश्चन ठीक है जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स डायरेक्ट अब ऑलरेडी बेस्ड एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है ठीक है, है इसको सॉल्व करने की ऑलरेडी हम कर चुके हैं ठीक है ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हम जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन में क्या बोल रहा है इफ द जीरोस ऑफ द आर डबल इन वैल्यू टू द एक्स स्क् माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री ठीक है तो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स ये एक पॉलिनोमियल है ठीक है इसके जो हैं, पहले इसको समझते हैं क्या बोल रहा है? ठीक है कह है कि जो ये जो इक्वेशन है जो ये जो पॉलिनोमियल है ठीक है इसके जो जीरोज हैं उनकी वैल्यूज डबल है उन जीरोज के जो इस पॉलिनोमियल के होंगे ठीक है तो कह रहा है पी और क्यू की वैल्यू निकालिए ठीक है तो सबसे पहले हमें यह पता है ट्वेंटी से ठीक है नाउ कंसिडर पॉलिमियल टू दल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री ठीक है अब इसके जब जीरो निकलेंगे तो कह रहा है कि इसके जीरोस जो है वो इसके हाफ होंगे जो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्यू के हाफ होंगे तो हमें प्योर क्यू की वैल्यू चाहिए तो पहले इसके जीरोज निकालते हैं तो so नाउ जब जीरोज हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को हम जीरोस के बराबर कर देंगे ठीक है अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जब होगा तो टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा टू एक्स एक्स माइनस वन ठीक है फिर ये हो जाएगा माइनस थ्री फाइव एक्स हो गया अच्छा अच्छा सॉरी ये टू है। है? तो एक्स हो जाएगा एक्स माइनस थ्री और फिर प्लस वन कॉमन हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा टू एक्स प्लस वन इंटू is equal to इज ठीक है। तो अब यहां से क्या आ जाएगा x की वैल्यू तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 2x एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो दैट मींस x इज इक्वल टू माइनस ठीक है x minus थ्री is equal to जीरो तो ये आ जाएगी वैल्यू x is equal to थ्री ठीक है तो यहां पे क्या बोल रहे हैं जीरोस जीरोज ऑफ द पोलिनोम डबल इन वैल्यू टू द यानी इसके जीरोस क्या हो गया अभी ये जो पोलिनोम इसके जीरोस क्या है इसके जीरोस आए हैं माइनस हाफ एंड थ्री ठीक है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन वैल्यू दे फो यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दैट इज डबल अगर अगर आप कर देंगे तो यह आ जाएगा माइनस वन क्योंकि माइनस हाफ का डबल इंटू टू ठीक है और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट विल बी टू थ्री जिक्स ओके नाउ फॉर्मिंग द पॉलिनोमियल यानी जब हम पॉलिनॉमियल बनाते हैं तो कितना हो जाएगा दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस दम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये तो होता है हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा माइनस वन प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा माइनस वन इंटू सिक्स तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा सिक्स माइनस वन कितना हो गया फाइव ये आ जाएगा माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स ठीक है तो so, देखो जो इक्वेशन आ रही थी जो एक सॉरी जो पॉलिनोमियल बन रहा था वो कितना था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू तो so, उसकी जगह क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स तो दिस मीन दैट द वैल्यू ऑफ पी इज माइनस फाइव एंड वैल्यू ऑफ क्यू इज माइनस सिक्स तो पी की वैल्यू कितनी होगी माइनस फाइव और वैल्यू ऑफ क्यू कितना हो जाएगा माइनस सिक्स इसको देखते हैं की वैल्यू माइनस फाइव और क्यू की वैल्यू माइनस ठीक है तो यहां पे इन्होंने क्या किया कि जो पहले वाले पोलिनॉमियल उसके जीरो उसको अल्फा बीटा मान लिया सेकेंड वाला जो पोलिनॉमियल था मतलब जिसको निकालना था उसको टू अल्फा टू बीटा बोल दिया बात समझ में आ रही है हाँ। तो बस यही यही एक फर्क है बाकी सारी चीजें सेम है कॉन्सेप्ट सेम है सारी चीजें सेम चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ठीक है अब देखो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी में था मतलब मैं कह रहा हूँ सेम क्वेश्चन नहीं बट ऑब्वियसली सिमिलर क्वेश्चन कुछ वन आर का था कुछ फोर आर का इस टाइप के क्वेश्चन था वहाँ पे ठीक है एनसीईआरटी में जो ऑलरेडी हम लोगों ने किया था ठीक है तो देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की अगर हम बात करें यहाँ पे ओके तो वहां पर मैंने आप लोग को क्या बताया था एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कौन इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम याद आ रहा है ठीक है तो अब यहां पे बोल रहा है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो यूनिफॉर्म है मतलब कोई भी है लो मतलब 50 किलोमीटर पर आ रही सिक्स मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है. ओके okay. तो so, अब ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है ठीक है इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर आर फास्टर पर आर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आर लेस तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस क्या होगा जब स्पीड इनटू टाइम है तो जो भी जो भी ये कवर कर रही है मतलब अगर ट्रेन की जो स्पीड है वो कह रहा है जो भी स्पीड है ठीक है तो अब उसमें 6 किलोमीटर पर आर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो टाइम चार घंटा कम लग रहा है एंड इफ द ट्रेन किलोमीटर पर इट वुड ज़्यादा स्पीड कम कर टाइम लगेगा तो दिन क्या है? ठीक है, अच्छा अब ये बताओ यहां पे तुम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लगाओगे या फिर क्वारिडी के इक्वेशन से सॉल्व होगा देखो यहां पे स्पीड भी अननोन है टाइम भी अननोन है डिस्टेंस भी अननोन है यहां पे देखो डिस्टेंस को क्या बोल रहे एक्स वाई देख रहे क्योंकि यहां पे अगर तुम देखोगे कि अगर तुमने डिस्टेंस को एक्स मान लिया तो स्पीड को कुछ कंसीडर करना पड़ेगा बात समझ में आ रही ऑलरेडी इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस भी किया था डिटेल में ठीक है तो अब यहां पे अगर हम बात करें तो क्या हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि स्पीड के साथ टाइम एसोसिएटेड ठीक है सो so लेट the speed of train vx kilometer per hour and the time taken v y y hours now according to question क्या हो जाएगा अभी कह रहा है कि अगर स्पीड एक किलोमीटर पर आर ज्यादा है तो टाइम तो कम लगेगा चार घंटे और स्पीड इनटू टाइम किसके बराबर स्पीड इंटू टाइम है तो बी द डिस्टेंस अब इसे इक्वेशन कैसे निकलेगी तो देखो जब आप इसको ओपन करो मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो यह माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू एक्स वाई ठीक है एक्स वाई एक्स वाई कैंसिल ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर तो अगर आप फोर कॉमन लोगे तो यहाँ से अगर आप सिक्स कॉमन लोगे तो ये भी नहीं आ जाएगा तो यहाँ पे टू कॉमन हो जाएगा तो टू कॉमन जब होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू ट्वेल्व यह आ जाएगा थ्री वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व हमारे पहले इक्वेशन आ गई ठीक है सेकेंड में क्या बोल रहा था कि अगर 6 किलोमीटर आर पर आर स्पीड जो है वो कम हो गई तो टाइम जो है 6 घंटा ज्यादा लगेगा तो इन द सिमिलर वे हम दूसरी इक्वेशन निकाल लेंगे ठीक है और जैसे कि यहाँ पे है फिर जब हमारे इक्वेशन आ जाएगी तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी और जब एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्पीड है वाई टाइम है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास डिस्टेंस आ जाए एनी डाउट ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं

तो ये जो बेचा उसने रुपीज टू पर थ्री चॉकलेट्स ठीक है इसको बेचा रुपीज वन पर चॉकलेट ठीक है तो कह रहे एंड गॉट टोटल ऑफ रुपीज फोर हंड्रेड यानी टोटल जो बेचने के बाद पैसा मिला वो कितना मिला चार सौ रुपए इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट एट द रेट ऑफ रुपीज वन पर चॉकलेट एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज फोर और फाइव चॉकलेट हिस्स टोटल कलेक्शन वुड है अगर पहले लॉट को उसने रुपीज वन पर चॉकलेट बेचा होता और दूसरे लॉट को रुपीज फोर पर फाइव चॉकलेट्स बेचा होता तो उसकी टोटल इनकम होती रुपीज फोर सिक्सटी फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही है टोटल कितनी चॉकलेट्स है इसके पास ठीक है देखो बहुत इजी क्वेश्चन लेट टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स एक्स एक्स चॉकलेट है उसके पास मान लो ठीक है अच्छा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो नंबर ऑफ आइटम्स है और जो कॉस्ट है ठीक है वो मनी के बराबर आ जाएगा यानी जो रेट है सॉरी इसके बराबर आ जाएगा कॉस्ट के बराबर आ जाएगा इस नंबर ऑफ आइटम्स into rate रेट यहां पे क्या था तीन चॉकलेट दो रुपए की ठीक है और यहां पे था एक चॉकलेट एक रुपए की तो यहां पे क्या है कि ये जो मनी है मतलब जो आपका रेट है और ये जो नंबर है ठीक है जाहिर सी बात है रुपीज टू पर थ्री चॉकलेट्स है आप पता नहीं ऐसी कितनी चॉकलेट्स बेचती दी उसने ठीक है तो इस वजह से अगर यहां पे हम कंसिडर करेंगे तो यह क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन दोनों को सेपरेट लिया क्यों अब आप कहेंगे सर आपने कॉमन लिया था यहां पे एक्स यस अब यहां एक कंफ्यूजन हो सकता है कि ये, जो कंफ्यूजन होता है कि यही होता है ना कि क्वालडी इक्वेशन से होगा या लीनियर इक्वेशन से होगा अच्छा इसी में कंफ्यूज रहता है तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं जब हम पढ़ा रहे थे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये क्वालिक इक्वेशन से होगा या फिर तो यहां पे तो एक ही पूछा जा रहा है ना सिर्फ वे पूछ रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स है ठीक है तो यहां पे अगर हम x इसको मान लेते हैं तो फिर उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक तो इक्वेशन में क्या होता है उसमें एक सिचुएशन से हम क्या बनाते हैं हम जो आपका जो जिसको निकालना होता है ठीक है जो भी वेरिएबल है जिसको हमें निकालना है ठीक है उसको तैयार करते हैं और फिर उसके बाद दूसरे से इक्वेशन तैयार करते हैं और उसमें जनरली हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं आपने जो भी सिचुएशन देखी हो इक्वेशन में क्या होता है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं लाइक दिस और फिर उसके बाद एक रिजल्ट होता है ताकि यहां पे एक इक्वेशन यानी मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ स्क्वायर स्क्वायर निकल के आ जाए ठीक है अब यहां पे अगर हम x ले लेते हैं एक प्रॉब्लम क्या आ रही है x लेने पे कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है प्रॉपर क्यों क्योंकि अगर हमने टोटल यानी a plus B is equal to x ले लिया मान लो ठीक है बात तो तब होती जब वो कहता है कि a लॉट में मान लो ट्वेंटी चॉकलेट्स हैं और टोटल चॉकलेट्स फोर हंड्रेड है मान लो इस टाइप से क्वेश्चन होता तो वहां पे तो हम कर सकते थे कि चलो बी को हमने एक्स मान लिया तो या जो है फॉर एग्जाम्पल इसको इसको एक्स मान लिया ठीक है टोटल चॉकलेट्स अगर दी होती है हमारे पास टोटल चॉकलेट्स तो यहां से हम क्या करते हैं तो भाई यहां पे एक लॉट एक्स है टोटल चॉकलेट्स 400 है तो बी लॉट 400 हंड्रेड माइनस एक्स हो जाता बात समझ में आ रही है अब फिर ये जो एक्स लॉट है इसके रेट से उसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो ये फोर हंड्रेड माइनस एक्स है इसको रेट से मल्टीप्लाई करते ठीक है और दोनों को सम करके फिर क्या करते टोटल मनी के बराबर कर देते बात समझ में आ रही है लेकिन चूंकि यहां पे टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही नहीं दिया हुआ है तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि लेट द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन ए इन लॉट ए बी एक्स टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन लॉट बी बी वाई ऐसे करते ठीक है अब देखो अब ये हमें पता चल गया कि इसमें एक्स चॉकलेट्स हैं ए लॉट में तो जब अब इक्वेशन तैयार होगी वैसे रखते हैं ये हमारा सोल्यूशन Okay. तो थ्री चॉकलेट्स फॉर रूपीज टू यानी तीन चॉकलेट्स दो रुपए के तो एक्स चॉकलेट्स कितने हो जाएंगे तो टू एक्स बाई थ्री हो जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू एक्स अपॉन थ्री प्लस अब देखो यहां पे क्या एक चॉकलेट एक रुपए की तो टोटल तो वाई चॉकलेट्स है तो टोटल मनी कितना आएगा वाई इज इक्वल टू फोर हंड्रेड ठीक तो अब यहां पे आ जाएगा अब जब जा एलसी हम लेंगे तो टू एक्स प्लस थ्री वाई और फिर थ्री इधर चला जाएगा इज इक्वल टू ट्वेल्व हंड्रेड वन ठीक इसी तरीके से जब सेकेंड इक्वेशन हम बनाएंगे तो ए, वन रुपीज पर चॉकलेट है तो एक्स चॉकलेट्स है

अब हमारे पास दो इक्वेशन है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज बोल्ट ट्वेल्व हंड्रेड फाइव एक्स प्लस फोर वाई इज टू ट्वेंटी थ्री हंड्रेड ठीक है जस्ट टू सेव टाइम इसलिए मैं यहाँ पे अब कंसिडर कर रहा हूँ अब यहाँ पे दो इक्वेश्स हमारे पास आ गए अब इसको सॉल्व कर लेते ठीक है टू एक्स प्लस थ्री वाई एंड फाइव एक्स प्लस फोर वाई तो सॉल्व करने के बाद क्योंकि देखो यहाँ पे लिख दिया उन्होंने सॉल्विंग अब ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स और वाई डायरेक्ट इन्होंने लिखा अब ये मतलब ये नहीं कि सॉल्विंग लिख के हम भी रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दें ऐसा नहीं करेंगे भाई से बात है यहां पे हम इसको सॉल्व करेंगे ना इसे सॉल्व करते हैं ठीक है सब्सिट्यूशन मेथड से कीजिए एलिमिनेशन मेथड से कीजिए किसी से भी कीजिए लेकिन यहां पे सॉल्व करके दिखाएंगे और फिर इसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगे फिर टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स क्या हो जाएंगे एक्स प्लस दैट विल गिव फाइव हंड्रेड चॉकलेट्स ठीक है तो चलो फिर आज इतना ही फिर कल मिलते हैं कल इसके आगे सॉल्व करेंगे ठीक है सेक्शन सी का जो छोटा सा पोर्शन है फिर उसके बाद सेक्शन डी एन ई डी एन ई में क्वेश्चन नंबर्स कम है ठीक है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा हालांकि क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड है ठीक है तो ऑब्वियसली तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट वी विल डिस्कस पार्टली विद सॉल्विंग इट एंड पार्टली विद द सॉल्यूशन जस्ट टू सेव आवर टाइम ओके चलो फिर कल तो मिलते हैं सेम टाइम ओके देन गुड बाय टेक केयर